मदद से ये पानी में क्या करते हैं, स्विम करते हैं यानी तैरते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, टेल्स हेल्प इन डिफरेंट वेज। बहुत एनिमल्स के पास टेल्स भी होता है जो उनको अलग अलग तरीकों में मदद करता है। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स, दे यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत जानवरों के पास टेल्स होता है यानी पूंछ होती हैं, जो कि अलग अलग तरीकों में वो इनका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मोस्ट वाटर एनिमल्स लाइक फिश यूज देयर टेल फिन टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल मूविंग इन वाटर। अधिकांश जानवरों के पास जो कि पानी में, जो जानवर पानी में रहते हैं जैसे कि फिश, ये अपने टेल का इस्तेमाल डायरेक्शन को चेंज करने में करता है यानी दिशा को बदलने में करता है। पानी में मछलियां पानी में रहती ना, तो पानी में वो क्या करती है, तैरती हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो ये जो फिश का जो टेल है उनको डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। द थिक टेल ऑफ कंगारू हेल्प्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस। द लॉन्ग बुशी टेल ऑफ ए स्क्वायरल ऑल्सो हेल्प इट इन कीपिंग इट्स बैलेंस व्हाइल लिपिंग एंड क्लाइंबिंग। स्टूडेंट्स, आपने कंगारू को यदि देखा है तो उनके पास मोटा, थिक मीन्स होता है मोटा, एक तेल होता है जो कि उनको बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे स्क्वायरल के पास जो टेल होता है वो बुशी टेल होता है यानी झंखार, बहुत उसमें सारा लोम होता है स्क्वायरल के टेल में, जो कि उनको बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और क्लाइम किसी भी पेड़ पर या दीवार पर चढ़ने में वो उनका टेल उनको बैलेंस करता है। लिपिंग करने में, लिपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को चाटने में, हाँ वो मदद करता है उनका टेल। अब हम आते हैं नेक्स्ट, काउज एंड बफेलोज हैव थिन लॉन्ग टेल। काउज और बफेलोज के पास लंबा यानी लॉन्ग टेल होता है। दे यूज देयर टेल्स टू फ्लाई अवे इंसेक्ट दैट सिट ऑन देम। वो अपने टेल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई इंसेक्ट उनके शरीर पर बैठ जाता है तो उसको भगाने में, इंसेक्ट को अपने शरीर से भगाने में वो अपने टेल्स का इस्तेमाल, उपयोग करते हैं, इस्तेमाल कहिए या उपयोग कहिए, वो अपने टेल का करते हैं। अ मंकी यूजेज इट्स टेल, इट्स लॉन्ग टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। और मंकी के पास जो एक लॉन्ग टेल होता है, मंकी के पास जो लॉन्ग टेल होता है वो उनको स्विंग करने में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाने, एक पेड़ का, पेड़ के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाने के लिए उनका लॉन्ग टेल, मंकी का लॉन्ग टेल जो है वो यूज़ करता है, मंकी जो है यूज़ करता है अपने लॉन्ग टेल का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 44 में, पेज नंबर 44, फूड एनिमल्स एक्ट। फूड एनिमल्स एक्ट, एनिमल्स जो होते हैं उन, वो कौन क्या क्या भोजन करते हैं, फूड एनिमल्स एट। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं,
दे फीड ऑन थिंग्स फाउंड इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. मोस्ट एनिमल्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर फूड बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट. दे आर डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स. दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर. एनिमल्स जो है जानवर, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो जो है अपने आसपास में जो उनका खाने का भोजन, उनके उनके भोजन का जो उनको खाने के लिए जो भोजन रहता है तो वो उसको उसे ही खाते हैं. बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, अधिकांश जानवर ऐसे होते हैं जो कि भोजन को तलाशने में अपने समय को क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं, गंवा देते हैं. ऐसे जानवरों को हम लोग चार ग्रुप्स में, ऐसे जानवरों को चार ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनको हम लोग हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्कैवेंजर बोलते हैं और स्कैवेंजर्स बोलते हैं. तो फर्स्ट में हम आते हैं स्टूडेंट्स हर्बीवोरस. स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोग हर्बीवोरस का मतलब जानें. हर्बीवोरस का क्या मीनिंग होता है? वे जानवर जो घास फूस को खाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं, ऐसे जानवरों को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. देयर स्पेशल टीथ हेल्प देम टू बाइट एंड च्यू प्लांट्स. दे ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट, सीड, ग्रैन एंड नट्स. हर्बीवोरस जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं. यहाँ पर देखिए आप लोगों को बताया गया है बुक में, वे क्या खाते हैं, वे ग्रास खाते हैं यानी घास खाते हैं, लीव्स पत्तियों को खाते हैं, फ्रूट्स फल को खाते हैं, सीड किसी बीज को खाते हैं, ग्रेन दाना को खाते हैं एंड नट्स को खाते हैं. जैसे देखो लाइक यहाँ पर आपको बताया गया है, स्क्वायरल ईट नट्स, बैट्स ईट फ्रूट्स, हेंस एंड पिजन्स ईट सीड एंड ग्रेन्स, स्नेल्स एंड कैटरपिलर्स ईट लीव्स. स्नेल्स घोंगा को कहते हैं और ये पत्तियों पर, पेड़ पौधे की पत्तियों पर ये जो कीड़ा रहता है इसको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं. अब हम लोग आते हैं कार्निवोरस. कार्निवोरस स्टूडेंट्स, हम लोग कार्निवोरस पर आते हैं. एनिमल्स लाइक लियोपार्ड, टाइगर्स एंड लायंस eat the flesh of other animals. They are called carnivorous. They have sharp and pointed front teeth that help them to tear flesh. कहने का मतलब है students, carnivorous उन्हें कहते हैं, उन जानवरों को, वे जानवर carnivorous में आते हैं, जैसे leopard हैं, tigers हैं और lions हैं. ये दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं. तो ऐसे जानवरों को हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. इनके पास जो है शार्प और पॉइंटेड टीथ होता है, सामने की तरफ शार्प और पॉइंटेड टीथ होता है जिसके द्वारा वे जानवरों का शिकार करते हैं. अब आते हैं ओमनिवोरस में. एनिमल्स लाइक फॉक्स एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस. सम बर्ड्स लाइक क्रॉस एंड स्पैरोज आर आल्सो ओमनिवोरस.
फॉक्स और जो बियर होते हैं ये दोनों चीज़ों को खाते हैं, जानवरों के दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं और पेड़ पौधे की पत्तियों को भी खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो हैं ओमनीवोरस में आते हैं। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब होता है ओमनीवोरस वे होते हैं जो कि दोनों चीज़ों को खाते हैं, जो कि दूसरे जानवरों को मारकर भी खाते हैं और पेड़ पौधे की पत्तियों को भी खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो हैं ओमनीवोरस में आते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स हम लोग भी ओमनीवोरस में आते हैं, क्योंकि हम लोग मीट मछली भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, फल फूल भी खाते हैं, तो हम लोग भी ओमनीवोरस में आते हैं। तो ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवरों के मांस को और पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं, ऐसे जानवर ओमनीवोरस कहलाते हैं। सम बर्ड्स लाइक क्रॉस एंड स्पैरोज आर ऑल्सो ओमनीवोरस। जैसे बर्ड्स हैं, क्रॉस हैं, स्पैरो हैं, ये ओमनीवोरस में आते हैं। अब हम आते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर सम एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड हीनास ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स में वे जानवर आते हैं जैसे वल्चर और हीनाज, जिसको हम लोग वल्चर और हीनाज जिसको हम लोग गिद्ध बोलते हैं, ऐसे जानवर जो हैं स्कैवेंजर में आते हैं। ये जानवर जो हैं मरे हुए जानवरों को और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। और स्कैवेंजर्स में वल्चर और हीनाज आता है। देखो आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है, ये हीनाज जिसको हम लोग लोमड़ी कहते हैं, और ये हुआ गिद्ध वल्चर। ये जो है मरे हुए जानवरों को और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं। अब हम लोग आते हैं रीड एंड रिफ्लेक्ट। एक बार फिर से हम लोग अपने लेसन को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल्स वेरी इन साइजेस। एनिमल्स बहुत आकारों आकार में होते हैं। दे कैन बी वेरी बिग बिग स्मॉल वेरी स्मॉल एंड टाइनी। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स विच दे यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया, बहुत जानवरों के पास पूंछे भी होती हैं जिसका उपयोग हुए अलग अलग तरीकों में करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स लिव ऑन लैंड इन वॉटर ऑन ट्रीज एंड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बहुत जानवर ऐसे होते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, और कुछ जानवर दोनों चीज़ों पर रहते हैं, पानी और जमीन, लैंड लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। दे क्रॉल स्विम वॉक हो और फ्लाई। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, कहने का मतलब होता है एनिमल्स जो है अलग अलग तरीकों में चलते हैं। वे क्रॉल भी करते हैं यानी रेंगते भी हैं, स्विम तैरते भी हैं, वॉक चलते भी हैं, हो कूदते भी हैं, और फ्लाई उड़ते भी हैं। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव फोर लेग्स। अधिकांश जानवरों के चार पैर होते हैं, बट सम एनिमल्स हैव सिक्स और एट लेग्स और इवन मोर। और कुछ जानवरों के छह पैर, आठ पैर और उससे भी ज़्यादा पैर होते हैं, इवन मोर, बहुत ज़्यादा भी होते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग जानवरों का जो फूड होता है, उनका उनके खाने की जो आदत होती है अलग अलग होती है। दे कैन बी ग्रुप्ड एज हर्बीवोरस कार्निवोरस ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर। इनको अलग अलग ग्रुप में हम लोग
इनको अलग अलग ग्रुप्ड में बांट दिया गया है, जो कि हर्बीवोरस में आते हैं, कुछ जानवर कार्निवोरस में आते हैं, ओमनीवोरस में आते हैं और स्कैवेंजर्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड टेक केयर।